मिनाल भाई, जर्मनी में अकोमोडेशन के ऊपर एक वीडियो बनाए और अकोमोडेशन ढूंढने का भी तरीका बता दें। ठीक है भाई, फिर इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैं अकोमोडेशन के ऊपर जनरली एक वीडियो बना चुका हूँ यूरोप के में, और अकोमोडेशन का सीन इतना कोई महंगा नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग विजिट करने के लिए आ रहे होते हैं उनके लिए, या जो लोग जॉब करने के लिए आ रहे होते हैं उनके लिए। मगर फिर भी अकोमोडेशन की तीन चार कैटेगरीज होती हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप बिल्कुल ही गरीब हो मेरी तरह, और आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, मगर आपके पास पढ़ाई करने का जज्बा है, इल्म का जज्बा। वो कैटेगरी तकरीबन 150 यूरो के बीच में आती है, मतलब पर स्टूडेंट डॉर्मेट्री या एक प्राइवेट रूम या कहीं भी एक कमरा आपको 150 से 200 यूरो के दरमियान पर मंथ मिल जाना चाहिए। जर्मनी की बात कर रहा हूँ, मैं जर्मनी में रह रहा हूँ काफी टाइम से, तो इसलिए मुझे पता है कि जब शुरू शुरू में मैं आया था और मैं गरीब था फुल और पढ़ाई कर रहा था, और स्टूडेंट्स के पास यहाँ इतने पैसे नहीं होते, जनरल सही बात है, तो उनके लिए स्पेशल डॉर्मेटरीज बनी हुई होती हैं यूनिवर्सिटी के पास वगैरह वगैरह, और उसके कमरे के किराया तकरीबन 150 होता है। वो एक कमरे में दो लड़के होते हैं, या अगर आपको यहाँ किसी आपका दोस्त यार है जानने वाला है उसके पास आप रहना चाहते हो, तो एक कमरे में कोई कोई तीन तीन चार चार लोग भी होते हैं, तो आपसे शायद 150 भी नहीं, 120 यूरो ही लें और आपको रख लें और आपका रहने का बंदोबस्त हो जाए। तो ये पहली कैटेगरी है कि 150 यूरो के दरमियान आपको एक बेड स्पेस मिल जाता है, एक कमरा जिसमें आपको किसी लड़के मड़कों के साथ शेयर करना होता है और बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं होती। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करो, मतलब 250 यूरो के करीब खर्च करो, और आप यहाँ एक प्राइवेट रूम ले लो, अपना एक अपार्टमेंट होगा, उसको वेगे कहते हैं, WG, तीन चार कमरे होते हैं, तीन चार लोग होते हैं, और आप मिल बांट के रहते हो, आपका अपना कमरा होता है, मतलब फुल प्राइवेसी। तीसरा ये होता है कि आप पूरा घर ही रेंट कर लो, तो वो तकरीबन 500 यूरो का घर रेंट होता है अगर आप अमीर माँ बाप के बेटे हो और आपको कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी बेशी नहीं हुई, तो ये तरीका आप लोगों के लिए है। 400-500 यूरो का अपना ही घर ले लो किराए पर, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, मैं भी एक दिन करूँगा जब मैं अमीर हो जाऊंगा। ये तो सारी हो गई, आप जितने भी पैसे खर्च कर सकते हो उतना आपको अकोमोडेशन मिल सकती है और आप आराम से रह सकते हो। मगर मिनाल भाई, ये तो बताएं कि आप अकोमोडेशन ढूंढे कैसे, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उस जमाने की है जब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था और मैं कभी भी यूरोप नहीं आया था, और एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मेरे मोबाइल पे मुझे एक कॉल आई कि रिजवी साहब, आपका एडमिशन हो गया है पोलैंड में, आप अकोमोडेशन, बैंक स्टेटमेंट और इंश्योरेंस वगैरह बनवा लें ताकि आपको हम जल्द से जल्द पोलैंड बुला लें। क्या मेरा एडमिशन हो गया? 50% पे भी मेरा एडमिशन हो गया? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है हाँ, मैं सारी चीजें तैयार करवा लेता हूँ मैडम। फिर बस मैं परेशान सा हो गया, क्योंकि मेरे पास तो आप लोगों की तरह यूरोप में बैठा हुआ एक दोस्त नहीं था ना जो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाता है। तो फिर बस अब एक ही रास्ता बचा था, गूगल। तो फिर मैंने गूगल पे एक वेबसाइट डिस्कवर करी, जो वेबसाइट को मैं ट्रस्ट करता हूँ। मैं जब पोलैंड जा रहा था मैंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करा, मैं जब पोलैंड से जर्मनी आ रहा था मैंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके एक रूम रेंट करा, और उस वेबसाइट का नाम है roomster.com। मैंने दो चार वेबसाइट ढूंढी और उनमें से सबसे फेवरेट थी मेरी roomster.com, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको एक रूम भी रेंट पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है कि लोग रूम्स रेंट पे लेके रहते हैं, पूरा पूरा घर रेंट पे नहीं लेते। तो इस वेबसाइट पे आपको एक रूम भी रेंट पे मिल सकता है और एक पूरा घर भी रेंट पे मिल सकता है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, मगर इस वेबसाइट पे मुझे आसानी से कमरा मिल गया था। पाकिस्तान में बैठकर मैंने पोलैंड में एक कमरा 200 यूरो पर महीने का मैंने किराए पे ले लिया था, और फिर जब मैं पोलैंड से यहाँ जर्मनी में आने लगा था तब मुझे तकरीबन 180 या 190 यूरो का पर महीना, क्योंकि मुझे पता चल गया था यूरोप के बारे में, तो मुझे यहाँ 180 या 190 यूरो का एक कमरा मिल गया था पर मंथ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको बोलती हैं आप इसी टाइम पे करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, मगर roomster.com में ऐसा नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट मुझे लैंडलॉर्ड से चैट करवा दी थी, और मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला हाँ जब तुम यहाँ आओ तब हमें पैसे दे देना, कोई मुश्किल नहीं है। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं roomster.com के अलावा, जो जो मुझे पता है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये था आसान सा तरीका अकोमोडेशन ढूंढने का, बगैर किसी की मदद लिए, खुद अपने बलबूते पर। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो फिर मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं वीडियोज बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस।
कुछ लोग जब लिखते हैं ना कि मैं ओवर एक्टिंग की दुकान हूं, तो कभी कभी मुझे भी ये बात सही लगती है। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर क्या करें, नहीं होता, कभी कभी नहीं होता, कुछ लोगों में बस नहीं होता।